brought to you by Techno Spark 20 series smartphones. I'm superhuman. इसीलिए जो हमारी परंपरा है कांग्रेस पार्टी में, जो महात्मा गांधी जिस परंपरा की नींव महात्मा गांधी जी ने डाली और जिस परंपरा के तहत हमारे सारे प्रधानमंत्रियों ने काम किया, वो परंपरा ये थी कि नीतियां आपके लिए बनी, जो आपकी सुविधा के लिए बनती है, जो आपको आगे बढ़ाने के लिए बनती है, वही नीति सही है। लेकिन बहनों और भाइयों, आज के जो प्रधानमंत्री हैं, जरा उनकी कार्यशैली को आप देखिए। गुजरात ने उनको सब कुछ दिया, उनको सम्मान दिया, स्वाभिमान दिया, उनको आगे बढ़ाया, उनको सत्ता दी। आज प्रधानमंत्री बने, 10 सालों से प्रधानमंत्री हैं। जब जब आप उनको देखते हैं तो आप मुझे खुद बताइए, आप टीवी पे उनको देखते हैं कि नहीं? देखते हैं टीवी पे? देखते हैं ना? दिखते हैं? कहाँ दिखते हैं आपको? बड़े मंचों पे दिखते हैं? बड़े बड़े प्रधानमंत्रियों के साथ दिखते हैं? दूसरे देशों के राष्ट्रपतियों के साथ दिखते हैं? दिखते हैं ना? बड़े बड़े खरबपतियों के साथ दिखते हैं? सेठों के साथ दिखते हैं? कभी आपने उनको किसी किसान के घर जाते हुए देखा है? कभी आपको आपने उनको किसी गरीब के घर में जाते हुए देखा है? मैंने यूपी में काम किया पिछले 5 सालों से, वहां पे उनका संसदीय क्षेत्र है। उनके संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भी प्रधानमंत्री जी किसी एक गरीब के घर नहीं गए हैं। कभी नहीं पूछा है इन 10 सालों में कि भाई तुम कैसे हो। किसानों के लिए नीति बनाते हैं, किसान आंदोलन करता है, लाखों किसान 4 किलोमीटर दूर उनके घर से बैठते हैं, आंदोलन करते हैं। महीनों के लिए उनकी बिजली काटी जाती है, पानी काटा जाता है, 600 शहीद होते हैं किसान, लेकिन वो 4 किलोमीटर दूर चल के हमारे प्रधानमंत्री उनसे मिलने के लिए नहीं आते हैं। जब उनको पता चलता है कि चुनाव आ रहा है और ये किसान आंदोलन कर रहे हैं, हमें वोट नहीं मिलेगा, तब चुनाव के 2 महीने पहले वो कानून बदल देते हैं। ये है उनकी कार्यशैली। वो मेरे भाई को शहजादा बोलते हैं। मैं उनको बताना चाहती हूं, ये शहजादे 4000 किलोमीटर पैदल चले हैं। कन्याकुमारी से कश्मीर तक आपकी समस्याओं को सुनने के लिए चले हैं। मेरी बहनों से मिले हैं, मेरे भाइयों से मिले हैं, किसानों से मिले हैं, मजदूरों से मिले हैं, और सबसे प्यार से मिलकर पूछा है कि तुम्हारे दिल में क्या मुश्किलें हैं, तुम्हारे जीवन में क्या समस्याएं हैं, उनको हम हल कैसे कर सकते हैं। और एक तरफ आपके शहंशाह नरेंद्र मोदी जी महलों में रहते हैं, आपने कभी टीवी पे उनका चेहरा देखा है? एकदम साफ सुथरा सफेद कुर्ता, एक दाग नहीं है धूल का, एक बाल इधर से उधर नहीं हो रहा है। वो कैसे समझ पाएंगे आपकी मजदूरी, आपकी खेती? कैसे समझ पाएंगे? कैसे समझ पाएंगे कि आप किस दलदल में धंसे हुए हो? महंगाई से आप दब चुके हो, हर तरफ महंगाई। मेरी बहनें, मिट्टी के तेल का तेल आज कितने का है? सब्जी खरीदने जाती हो, मिलती है क्या? तुम भाव क्या है उसका? पेट्रोल डीजल का दाम क्या है? मेरे किसान भाइयों, किस तरह से गुजारा कर रहे हो?